नमस्कार दोस्तों, टेक्की पॉइंट के और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, जी हाँ, वीवो V9 के बारे में। ये बहुत 2-3 दिन पहले मैं ये लिया था ये फ़ोन, और उसको यूज कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा एक रिव्यू दे दूंगा कि कैसा है फ़ोन, क्या कुछ आपको फ़ोन में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ स्पेशल है उसके बारे में, और साथ साथ बॉक्स कंटेंट के बारे में थोड़ा सा दिखा दूंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बॉक्स के बारे में। तो बॉक्स कुछ इस तरह से आप दिखता है, आपको मिल जाएगा दिखने को। ये है वीवो V9 का बॉक्स, और पीछे तरफ आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेड इन इंडिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा गया है, और साथ ही साथ इसमें उसका कीमत लिखा गया है। जो कीमत रखा गया है 24,000 रुपीज़। जी हाँ, इसका कीमत जो रखा गया है 24,000 रुपीज़, लेकिन ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आपको सेम प्राइस में मिल रहा है, 23,000 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। और उसके साथ अगर आप ऑनलाइन में खरीदते हैं तो आपको कुछ ऑफर वगैरह मिल जाएगा, स्पेशल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर 5% लेके 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसके लिए मैं बाय लिंक नीचे दिया हूँ अमेजन और फ्लिपकार्ट का, आप चाहे तो वहाँ पर देख के खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं बॉक्स में आपको क्या कुछ मिल रहा है। तो सबसे पहले तो बॉक्स में आपको फ़ोन मिल जाएगा, फ़ोन के साथ उसका बैक कवर मिल रहा है, उसके साथ स्क्रीन गार्ड अटैच होके आ रहा है, जो कि मैं आपको फ़ोन दिखाऊंगा तभी आपको पता चल जाएगा। उसके साथ आपको एक नॉर्मल सा एडाप्टर मिल रहा है, जी हाँ, डाटा कॉलर एडाप्टर। यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रहा है, तो नॉर्मल से एक चार्जर मिल रहा है, लेकिन जो चार्ज हो रहा है बहुत स्पीड हो रहा है। जैसे कि मेरा रेडमी नोट 4 में बहुत स्लो चार्जिंग होता था, उसके कंपेयर करते हैं तो इसमें ये बहुत जल्दी चार्ज हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और उसके बाद बात करते हैं ये एक ईयरफोन, तो बॉक्स में ये सब मिलता है, आपको वारंटी कार्ड वगैरह मिल जाता है, चार्जर मिलता है, और जैसे कि ऑफलाइन फ़ोन जितने भी मिलते हैं उसमें सब आपको कंटेंट मिल जाता है जो बॉक्स में रहना चाहिए, यानी कि चार्जर, ईयरफोन, स्क्रीन गार्ड वगैरह, तो इसमें भी आपको सब मिल जाता है। अब बात करते हैं इसका ईयरफोन के बारे में, तो दिखाता हूँ कैसा दिखता है इसका ईयरफोन। ये आप देख सकते हैं इसका ईयरफोन को, कुछ कुछ आईफोन के ईयरफोन की तरह लगता है। और एक बात जो ईयरफोन में मुझे पसंद नहीं आया वो है, इसको जब आप ऐसे यहाँ पे लगाएंगे प्ले करेंगे तो यहाँ पे ये दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए कुछ रबर वगैरह नहीं मिलता है, पूरा प्लास्टिक का है, तो बहुत टाइम तक आप इसमें गाना नहीं सुन सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बात भी करेंगे तो हार्डली 15 मिनट से ज़्यादा आप नहीं करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको ये दर्द होने लगेगा, क्योंकि ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है और फिट भी नहीं बैठता है। तो ये एक प्रॉब्लम था जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा इसके ईयरफोन के बारे में। अब बात करते हैं इसके बारे में, ये है वीवो V9, आप देख सकते हो उतना समय दिखाया नहीं था, तो ये कुछ इस तरह दिखता है वीवो V9, बहुत ही अच्छा दिखता है और दिखने में लुक से बहुत ही है, लेकिन पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक मिला है। ध्यान रखिए यहाँ पे आपको मेटल बॉडी नहीं मिलता है, ये आपको प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, और यहाँ पे आपको स्क्रीन गार्ड अटैच होके मिल जाएगा, तो उसका कुछ टेंशन नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको स्क्रीन गार्ड मिलेगा, और उसके साथ ये कवर भी मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कवर है। और पीछे का जो प्लास्टिक है वो ग्लॉसी फिनिश है, यानी कि बहुत ही फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, बहुत ही ज़्यादा आपको फिंगरप्रिंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और हमेशा कवर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जो फ़ोन है ये फुल स्क्रीन डिस्प्ले वाला है, आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन डिस्प्ले वाला है, तो ये कभी भी गिरेगा तो कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हमेशा कवर यूज करना चाहिए। तो ये तो दिखा दिया आपको फ़ोन कैसा दिख रहा है, और यहाँ पे आपको फेस डिटेक्शन वगैरह मिल जाता है, उसके बारे में थोड़ा आगे हम बात करेंगे। पीछे की तरफ डुअल कैमरा है, तो आप स्पेशल की बात करते हैं तो डिस्प्ले की बात करते हैं तो फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा, 18:9 यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ये 19:9 है, यानी कि जो यहाँ पे जो स्क्रीन है इसीलिए ये 19:9 डिस्प्ले है। फुल HD प्लस डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल रहा है, और साथ ही साथ ये LCD सुपर LCD क्लियर स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। रैम रोम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 4 GB की रैम मिल रहा है और 64 GB की स्टोरेज मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको सिम ट्रे मिलेगा वो हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, यहाँ पे आप 2 सिम भी लगा सकते हैं, और साथ ही साथ उसके साथ माइक्रो SD भी लगा सकते हैं। बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3200 mAh का बैटरी मिल रहा है, जो कि लगभग जो मैं 3 दिन से यूज कर रहा हूँ तो आराम से मॉडरेट यूज में 1 दिन चले जा रहा है, और साथ साथ कुछ गेम वगैरह खेला, वो पबजी वगैरह खेला, तो उसमें भी 1 दिन तो नहीं जा रहा है, लेकिन 7 से 8 घंटा आराम से चल जा रहा है। तो बैटरी बैकअप एवरेज मान के चल जाइए, उस तरह नहीं है जैसे कि रेडमी का सीरीज आता है, नोट 4 वगैरह हो गया 4000 mAh का, जिसमें बैटरी रहता है वो बहुत ही अच्छा चलता है, लेकिन ये एवरेज बैटरी चल रहा है, 1 दिन आपका आराम से चल जाएगा। अब बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्वेलकम का स्नैपड्रैगन का 626 प्रोसेसर मिल जाएगा, जी हाँ, 626 का यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिल रहा है, और क्वेलकम का यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिल रहा है। अब बात करते हैं इसका मेन फीचर जो कि है वीवो का कैमरा,
तो यहाँ पे आपको सामने की तरफ आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉच जो मिल रहा है। यहाँ पे आपको कैमरा मिलेगा जो कि है 24 मेगापिक्सल का। जी हाँ, 24 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल रहा है, और पीछे की तरफ जो मिल रहा है दो कैमरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके साथ फ्लैश मिल रहा है। तो ये जो दो कैमरा है ये 16 प्लस 5 का कैमरा मिल रहा है, तो 16 MP+5 का पीछे की तरफ डुअल कैमरा मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं कैमरे के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा या गेमिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, वो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको दिखा दूंगा कि इसका कैमरा सैंपल कैसा है, वीडियो कैसा, क्योंकि अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेरा जो 1 साल हो गया है फ़ोन को Redmi 4 से, और आने वाले जो वीडियो आएंगे सब यहीं से रिकॉर्ड होंगे। तो आपको कैमरा सैंपल तो ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन इसका स्पेशल एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको कैमरे के बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा, कैसा कुछ इसका इमेज है और वीडियो कैसा है, वीडियो अच्छा उठ रहा है कि नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ गेमिंग के बारे में वहाँ पर दिखा दूंगा। तो अभी के लिए आपको एक सैंपल दिखा के दिखा देता हूँ सेल्फी लेके, कि कैसा यहाँ पे सेल्फी आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा सेल्फी आपको मिल रहा है, और साथ ही साथ इसमें आपको ब्लॉर की फैसिलिटी मिल जाता है। जी हाँ, यहाँ पे फ्रंट में भी आपको बोके इफेक्ट मिल जाता है और पीछे की तरफ भी बोके इफेक्ट मिलता है। तो फ्रंट का जो होता है वो सॉफ्टवेयर में होता है, और पीछे की तरफ जो होता है वो डुअल कैमरे की वजह से होता है। और साथ साथ बता देता हूँ कि इसमें एक डिमेरिट है जो कि है यहाँ पे आपको OIS नहीं मिलता है। जी हाँ, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर नहीं मिलता है, या फिर EIS कुछ भी नहीं मिलता है। तो जो वीडियो आप शूट करोगे अगर हाथ में कर रहे हैं तो थोड़ा शेकिंग होगा, तो ज़्यादा वीडियो में दिखा जाएगा शेकिंग, तो ये एक अच्छी नहीं लगा, क्योंकि इतना 22-23 हज़ार आप रुपये ले रहे हो और उसमें एटलीस्ट OIS देना चाहिए था, लेकिन वीवो ने यहाँ पर नहीं दिया है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग नहीं किया, क्योंकि आप बहुत सारे चैनल में अनबॉक्सिंग देख चुके होंगे, तो ये मैं क्योंकि अभी नया खरीदा हूँ तो इसका एक छोटा सा रिव्यू आपको दे दिया। और इसके बारे में और भी कुछ रिव्यू जानना है, इसका गेमिंग के बारे में, कैमरे के बारे में और भी कुछ जानना है, तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, उसका वीडियो मैं जरूर से लेके आ जाऊँगा। और एक छोटा सा रिव्यू था, क्योंकि 2-3 दिन से मैं यूज कर रहा हूँ, तो कैसा लग रहा है उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और फ़ोन के बारे में बताऊँगा। तो फ़ोन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 20-22 हज़ार रुपये में आपको ये अच्छा कैमरे के साथ मिल रहा है। तो अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए, सेल्फी कैमरा चाहिए, तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं, और लुक्स वाइज भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसका जो फुल व्यू डिस्प्ले है जो 19:9 है, क्योंकि आजकल जो फ़ोन आ रहा है वो 18:9 है, लेकिन यहाँ पे आपको फुल व्यू 19:9 डिस्प्ले मिल रहा है। और इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो आउटडोर में भी बहुत ही अच्छा दिखता है, तो आउटडोर में भी आपको विजिबिलिटी का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसको यूज करेंगे तो आप आराम से देख पाएंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और इस तरह वीडियो और देखना है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ अगर इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख देना, उसके वीडियो जरूर से लेके आ जाऊंगा। मैं मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।